हाय एवरीवन, वेलकम बैक हो गया आप सभी के अनदर वीडियो में। तो जैसा कि आप लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था, हम लोगों ने सीखा कि हाउ टू क्रिएट अ शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग अकाउंट। अगर आप लोगों ने वो वीडियो मिस कर दिया है तो डोंट वरी, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं वीडियो का लिंक ऐड कर दूंगा, आप लोग लाजमी से जाके चेकआउट कर लेना। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक होने वाला है कि हमने अपना जो ड्रॉप शिपिंग का अकाउंट बनाया है उस पर हम लोगों ने थीम किस तरीके से अप्लाई करना है और थीम को कस्टमाइज किस तरीके से करना है। एंड गाइस, लास्ट वीडियो में हमने एक चीज मिस कर दी थी, थोड़ी सी सेटिंग्स रह गई थी, एक दो सेटिंग्स, वो भी इस वीडियो में मैं आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा बता दूंगा कि वो आप लोगों ने किस तरीके से करनी है, और उसके बाद नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे कि थीम को अप्लाई कैसे करना है और थीम को कस्टमाइज किस तरीके से करना है। स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को गाइड करूंगा, आप लोगों ने किसी भी किस्म की टेंशन नहीं लेनी। अगर किसी चीज की समझ ना आए तो आप लोग वीडियो को रिपीट करके देख सकते हो, एंड फिर भी ना समझ आए तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते हो। फिर टाइम वेस्ट नहीं करते, चलते हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पर और उधर आपको मैं प्रैक्टिकली समझाता हूँ कि किस तरीके से आप लोगों ने सारी की सारी सेटिंग्स करनी है। सो गाइस, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि मैं अपनी लैपटॉप स्क्रीन पर आ चुका हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, अपने शॉपिफाई अकाउंट में लॉग इन कर लेना है। मैंने शॉपिफाई अकाउंट ओपन कर लिया है, सबसे पहले जो सेटिंग्स रह गई थी उसे कर लेते हैं। सेटिंग्स में आ जाना है आप लोगों ने, सबसे पहले इधर पेमेंट्स वाले सेक्शन में आ जाना है। पेमेंट्स वाले सेक्शन पे जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा पेज आ जाएगा। आप लोगों ने सिंपल से कुछ नहीं करना है, नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और इधर आपको मैनुअल पेमेंट मेथड का एक ऑप्शन मिलेगा, इसे आप लोगों ने ड्रॉप डाउन करना है और कैश ऑन डिलीवरी पे सिलेक्ट कर लेना है। इस सेटिंग को आप लोगों ने इधर से सेव कर लेना है। सेव करने के बाद नेक्स्ट मूव करते हैं टैक्सेस एंड ड्यूटीज वाले सेक्शन में। सेकंड सेटिंग आप लोगों ने ये करनी है, टैक्सेस एंड ड्यूटीज वाले सेक्शन को ओपन करना है। इधर आपकी कंट्री पूछेगा, आप जिस भी कंट्री से हो आप लोगों ने कंट्री ओपन कर लेनी है। मैं पाकिस्तान से हूँ, पाकिस्तान सेलेक्ट करते हैं। एंड नेक्स्ट, इसके बाद आपका कंट्री टैक्स शो करवा देगा कि आपकी कंट्री कितना चार्ज कर रही है। आप लोगों ने सिंपल से इधर से जीरो कर लेना है और इसे सेव कर लेना है। मैंने सेटिंग सारी सेव कर ली है, अब नेक्स्ट मूव करते हैं अपनी थीम की कस्टमाइजेशन की तरफ। थीम को अप्लाई करेंगे और सारी की सारी सेटिंग देखेंगे। सबसे पहले तो आप लोगों ने आ जाना ऑनलाइन स्टोर पे, इधर आई का बटन है, इधर मैं ओपन करता हूँ। अभी की लुक जो हमारी स्टोर की है इस तरह की सिंपल सी है, कोई भी कस्टमाइजेशन नहीं की, इसको हम कस्टमाइज करेंगे। सिंपल से आप लोगों ने इधर आ जाना है, इधर आप देखें मेरा जो करंट थीम शो हो रहा है वो है डॉन, और आप लोग इधर कस्टमाइज पे सिलेक्ट करके इसे कस्टमाइज भी कर सकते हो। लेकिन इसके अलावा ऐड थीम का एक बटन मिला है, विजिट थीम स्टोर पे आप लोगों ने सिलेक्ट करना है। इधर आपको सारे के सारे थीम्स मिल जाएंगे। एक्सप्लोर थीम पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने ऐसा कुछ पेज आ जाएगा। इधर प्राइस वाले सेक्शन में आपको फ्री और पेड दो तरह के ऑप्शन मिल रहे हैं। आपको 12 थीम जो है ये फ्री में प्रोवाइड करेंगे और पेड वाले जो है 144 थीम इनके पास अवेलेबल है। हम लोग फ्री वाले के साथ चलेंगे, फ्री वाले इधर सारे के सारे थीम्स अवेलेबल हैं। आप लोगों को जो भी पसंद आए आप लोगों ने इधर से सिलेक्ट कर लेना है, अपनी कैटेगरी के हिसाब से, अपनी निश के साथ। अभी करंट थीम जो हमारा है डॉन है, उसको ही मैं कस्टमाइज करके आप लोगों को दिखाने वाला हूँ आज की इस वीडियो में। इसको मैं ओपन करके देख लेते हैं। इधर आप लोगों ने व्यू डेमो स्टोर पे सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही सिलेक्ट करोगे तो आपको सारी की सारी आपके थीम की लुक शो करवा देगा। अब मुझे तो ये बहुत ज्यादा पर्सनली अच्छा लगा है, आप लोगों की अब डिफरेंट चॉइस भी हो सकती है, आप लोगों ने अपने हिसाब से चलना है। इधर मैं कस्टमाइज पे सिलेक्ट करता हूँ। कस्टमाइज पे जैसे सिलेक्ट करोगे आपके सामने सारी की सारी सेटिंग्स ओपन हो जाएगी। सबसे पहले आप लोगों ने हेडर वाले सेक्शन में आ जाना है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, आप लोगों ने अच्छे से इसको कस्टमाइज करना है अपने थीम को। इधर से आप लोगों ने स्कीम जो भी सिलेक्ट करना चाह रहे हो सिलेक्ट कर लेनी है। मैं थर्ड वाली स्कीम रखता हूँ। इधर से आप लोगों ने एडिट वाले सेक्शन में आना है और इसके आप कलर्स वगैरह, बैकग्राउंड कलर, उसके अलावा जो टेक्स्ट कलर है, सब कुछ अपनी मर्जी से कस्टमाइज कर सकते हो। इधर से मैं अपना बैकग्राउंड कलर जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ, जो भी आप लोगों को अच्छा लगे आप लोगों ने अपनी मर्जी से इसे कस्टमाइज कर लेना है। अभी नीचे मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ, इधर आपको दो तरह के ऑप्शंस मिल रहे हैं। पहले नंबर पे इनेबल कंट्री रीजन सिलेक्टर, जैसे आप इसे इनेबल करोगे आपके जो हेडर वाले सेक्शन में इधर एक ऑप्शन इनेबल हो जाएगा जिससे आप अपनी कंट्री सिलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अमेजोन की वेबसाइट पर मैं आता हूँ, इधर आप लोग देखें, इधर आपको ऑप्शन मिल रहा है, ये देखें। इस तरीके से आप लोग जैसे कि अमेजोन प्रोवाइड करे इसी तरीके से आप लोग भी कर सकते हैं। नीचे आ जाता है लैंग्वेज सिलेक्टर का, इसे भी जब आप इनेबल करोगे तो आप अपनी लैंग्वेज भी सिलेक्ट कर सकोगे, मतलब जो भी आपके पेज पे लैंड होगा, जो भी विजिटर आएगा वो अपनी मर्जी से कस्टमाइज कर सकता है। उसके बाद हम आते हैं अपने जो टेक्स्ट अनाउंसमेंट है उसको हम लोग एडिट कर लेते हैं। इधर आप लोगों ने कुछ भी लिख रहे हैं अपने हिसाब से, मैं लिख रहा हूँ फ्री शिपिंग फॉर ऑर्डर ओवर रुपीज 4,999। आप लोगों ने अपने कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए जो लिखना चाहते हो लिख सकते हो। नेक्स्ट मूव होते हैं, इधर से आप लोगों ने मेन मेन्यू पे आ जाना है। मेन मेन्यू को हम लोग एडिट करेंगे। इधर से सबसे पहले होम है, होम को ही रहने के। कैटलॉग को एडिट मैं करता हूँ, इधर मैं कुछ भी ऐड कर देता हूँ, जैसे कि मैं लिख देता हूँ वर्ड्स न्यू। आप लोगों ने अपनी मर्जी से इसको मेन मेन्यू को एडिट कर लेना है। अप्लाई चेंजेस पे सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद कॉन्टेक्ट आ रहा है, इसको भी हम एडिट करते हैं। कॉन्टेक्ट को इधर से मैं हटा देता हूँ, सिंपल से इधर मैं कर देता हूँ कार केयर्स।
स्टोर को क्रिएट कर रहा हूँ ये मैं अपने कार केयर प्रोडक्ट से रिलेटेड ही कर रहा हूँ, इसीलिए इधर मैं अपने मेन मेन्यूज ऐड कर लूंगा, जैसे कि कार केयर्स में इंटीरियर आ जाता है, एक्सटीरियर आ जाता है एंड डिफरेंट चीजें आ जाती हैं, वो आप टाइम के साथ साथ एक्सटेंड करते रहेंगे, लेकिन अभी मेन चीज जो है अपने जो मेन मेन अपने मेन्यूज हैं वो हम लोग ऐड करने वाले हैं। इधर मैंने कुछ ऐड कर ली है अपने मेन मेन्यूज, आप लोग देख सकते हैं। इधर से मैं आपको सिंपल से सेव करता हूँ, आप लोग ने सेव कर लेने इधर से, और सेव करने के बाद अगर मैं दोबारा आता हूँ अपने स्टोर में और इधर से मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, तो हमारे स्टोर की लुक ऐसी है। अभी ये देखिए ऊपर फ्री शिपिंग फॉर ऑर्डर ओवर ₹4,999 शो हो रहा है। एंड मेन मेन्यूज में आप लोग अगर आए नेविगेशन वाले सेक्शन में, अब इसमें हम लोग थोड़े से ड्रॉप डाउन भी ऐड करने वाले हैं, जैसे कि इंटीरियर में कुछ सब कैटेगरीज ऐड करेंगे, उसके बाद एक्सटीरियर में भी ऐड करने वाले हैं कुछ, उसको देखते हैं किस तरीके से हम लोगों ने करना है। अब आप लोगों ने क्या करना है, इधर से आ जाना है सिंपल से इंटीरियर वाले सेक्शन में, एंड इधर से आप लोगों ने सिंपल से ऐड मेन्यू पे आके आप लोगों ने सारे के सारे मेन्यूज ऐड कर लेने हैं। जैसे कि इंटीरियर वाले सेक्शन में आप लोग देख सकते हैं मैंने लिक्विड्स ऐड कर लिया है, एक्सेसरीज ऐड कर ली है, ब्रशेज ऐड कर लिए हैं, एंड इसके अलावा किट्स वगैरह ऐड कर ली हैं। इसी तरीके से आप लोगों ने इन सबको अपनी ड्रॉप डाउन में ऐड कर लेनी सब हेडिंग्स के तौर पर। और नीचे भी आप लोग देख सकते हैं, इसको मैं रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, मैंने थोड़ा सा इंटीरियर वाले सेक्शन पर अगर आप क्लिक करोगे इधर देखो आपको लिक्विड्स एक्सेसरीज किट्स मिल रही हैं, एंड एक्सटीरियर पे अगर आप लोग आओगे तो इधर लिक्विड एक्सेसरीज ब्रशेज एंड किट्स सब कुछ शो हो रहे हैं। तो इस तरीके से मैंने अपना मेन मेन्यू डिजाइन कर लिया। अब चलते हैं अपने टेम्पलेट पे। टेम्पलेट पे सबसे पहले तो हम लोग बटन इधर लिखा है शॉप ऑल, तो इसको मैं थोड़ा सा एडिट कर लेता हूँ, शॉप ऑल की जगह हम लोग कर लेते हैं शॉप नाउ, इसको मैं इधर से कर लेता हूँ सिंपल से सेव। सेव करने के बाद बैक आ जाते हैं इधर से दोबारा, एंड इधर से अब लोग करेंगे फीचर्स वाले कलेक्शन में आ जाएंगे। फीचर्स प्रोडक्ट्स में आप लोग अपनी मर्जी से इसको कस्टमाइज कर सकते हो, मैं सिंपल से न्यू अराइवल्स लिख रहा हूँ, जो भी प्रोडक्ट ऐड करेंगे वो इधर न्यू अराइवल्स में आ जाएगी। इसे भी मैं सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद कलेक्शन वगैरह क्रिएट करेंगे, नेक्स्ट इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो आएगी, उस पर आप लोगों ने देख लेना है। फुटर वाले सेक्शन में आ जाना है, फुटर वाले सेक्शन में आप लोग अपना कुछ भी लिख सकते हो। इधर मैंने अपना आवर मिशन लिख दिया है, क्वालिटी प्रोडक्ट्स, सस्टेनेबिलिटी, डुअल एक्शंस, ऑर्बिटल पॉलिशिंग गाइड, आप लोगों ने अपनी मर्जी से इसको एडिट कर लेना है। उसके बाद आप लोग अपने पेजेस ऐड कर सकते हो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टिकटॉक, ट्विटर, पिंटरेस्ट, जो भी आप लोग ऐड करना चाहते हो अपने सोशल मीडिया के अकाउंट। इधर सिंपली से मैं अपने इंस्टाग्राम का हैंडल ऐड कर देता हूँ, फेसबुक का हैंडल ऐड कर देता हूँ, एंड लास्ट पे अपना यूट्यूब का ऐड कर देता हूँ। इसके बाद आप लोग ने सिंपली से सेव कर लेना है इधर से आकर। सेव करने के बाद दोबारा से चलते हैं अपनी फाइनल लुक देखते हैं कि हमारी अभी फाइनल लुक शॉप की किस तरह की शो हो रही है। ऊपर आप लोग देख सकते हैं कि अपने फ्री शिपिंग फॉर ऑर्डर ओवर ₹4,999 शो हो रहा है। उसके बाद अपने पेजेस सारे शो हो रहे हैं, इंटीरियर एक्सटीरियर जो भी हमने ड्रॉप डाउन एड्स किए हैं, इसमें अबाउट अस का पेज है। उसके बाद नीचे ड्रॉप डाउन करता हूँ तो आप देखिए न्यू अराइवल्स हमारी शो हो रही है। उसके बाद अपना हमने जो मेन अपनी हेडिंग ऐड की है, उसके बाद अपने सारे सोशल मीडिया अकाउंट शो हो रहे हैं, और इस तरह की कुछ लुक एंड पे आपको देखने को मिल रही है। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी। आज की इस वीडियो में हम लोगों ने सीखा है कि हम लोगों ने अपना शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग अकाउंट जो बनाया है उस पे थीम अप्लाई किस तरीके से किया है, थीम अप्लाई करके दिखाया है मैंने आप लोगों को, उसके अलावा उसको सारा का सारा कस्टमाइज करना सिखाया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हमने अपना जो प्लान है उसको किस तरीके से बाय करना है। आई होप गाइस वीडियो आप लोगों को काफी ज्यादा पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक लाजमी करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना ताकि नेक्स्ट जब भी मैं वीडियो डालूंगा आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं भी नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।